एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे मॉडिफाई कमांड्स। इसमें है हमारा सबसे पहले आता है ऑफसेट, ट्रिम, एक्सटेंड, कॉपी, मूव, रोटेट, मिरर, स्ट्रेच, स्केल, ब्रेक, जॉइन। तो हम इस कमांड्स का किस तरीके से यूज लेते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। सपोज हमारा जो ऑफसेट है वो किस तरीके से यूज आता है और इसकी जो शॉर्टकट की है वो क्या है। ऑफसेट कमांड की शॉर्टकट की है ओ एंटर या फिर ओ स्पेस हम कर सकते हैं, और हमें कितने डिस्टेंस पे ऑफसेट देना है वो हम डालेंगे। सपोज हमें देना है 12 इंची पे हम स्पेस ऑफसेट दे देते हैं, यह आ गया हमारे। इस तरीके से हम कंटिन्यू में ऑफसेट ले सकते हैं। अगर जो ऑफसेट होता है वो हम जस्ट अपोजिट साइड में दे सकते हैं, राइट और लेफ्ट में नहीं दे सकते हैं। सपोज अगर हम हॉरिजॉन्टल पे, एक बार हमने ऑफसेट ले लिया तो हम हॉरिजॉन्टल पे ही वर्क कर सकते हैं, हम राइट और लेफ्ट नहीं जाएंगे, मतलब कि परपेंडिकुलर नहीं जा सकते हैं, वर्टिकल नहीं जा सकते हैं, हॉरिजॉन्टल ही हम इसमें ऑफसेट दे सकते हैं। इस तरीके से जितनी भी हमें लाइन चाहिए इस तरीके से हम दे सकते हैं। अगर हम इधर से लेना है तो हमें डायरेक्शन चेंज करते हुए आना होगा उसी कमांड में रहते हुए। इस तरीके से हम ऑफसेट का यूज कर सकते हैं। इसको करते हैं हम कंट्रोल जेड, और इसके बाद आता है हमारा ट्रिम कमांड। कि ट्रिम कमांड को हम किस तरीके से यूज लेते हैं। हमारा एक एरिया बना हुआ है, इसमें हम बताएंगे कि ट्रिम कमांड का हम किस तरीके से यूज लेते हैं। ट्रिम कमांड की जो शॉर्टकट की है वो है टी आर डबल एंटर, और इस तरीके से हम ट्रिम कमांड यूज, बीच में ब्रेक्स है मतलब क्रॉस कर रही है, इस लाइन को हम कंटिन्यूटी में दिखाने के लिए ट्रिम कमांड का यूज ले सकते हैं। इस तरीके से हम ट्रिम कमांड को यूज लेते हैं। इसके बाद आता है हमारा एक्सटेंड, जैसे कि इसमें दिख रखा है मैंने एक्सटेंड। यहाँ पे हम कमांड देंगे ई एक्स डबल एंटर, जो इसकी शॉर्टकट की है। सपोज हमें ये लाइन एक्सटेंड करनी है, हमें ब्रेक लाइन से दिखानी है, कंटिन्यू में नहीं दिखानी है लाइन्स, तो इस तरीके से हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए एक्सटेंड कमांड यूज में आती है। और एक्सटेंड कमांड और ट्रिम कमांड में कॉमन चीज है कि अगर आप एक्सटेंड कमांड में हो और आपको हैंड टू हैंड ट्रिम करना है, सपोज मैंने गलती से लाइन दी थी मुझे नहीं देनी है, तो हम शिफ्ट दबा के, शिफ्ट बटन प्रेस करके इस तरीके से हम इसको डिलीट ट्रिम कर सकते हैं। और वैसे ही ट्रिम कमांड में एज इट इज सेम हम कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा कॉपी। कॉपी कमांड हमारी किस लिए यूज आती है। सपोज मुझे सेम एज इट इज ऐसा ही एक और प्लानिंग चाहिए, तो मैं इसको पूरी प्लानिंग को सेलेक्ट करूंगी, सी पी एंटर या सी ओ एंटर के दो कमांड्स हैं, यहाँ पिक करके मैं ऊपर प्लेस कर दूंगी। इस तरीके से हम कॉपी कर सकते हैं, और जो हमारा मेन प्लान है वो भी एज इट इज रहेगा, और उसी के सेम में हमें कॉपी का ऑप्शन मिलता जाएगा। ये हो गया हमारा कॉपी कमांड। इसके बाद आता है हमारा सिंपल सा मूव कमांड। कि मूव कमांड का हमारा जो यूज है वो है, जैसे सपोज मेरा ये बेड है, मुझे इसको थोड़ा सा राइट हैंड साइड में मूव करना है, तो मैं इसको किस तरीके से मूव कर सकती हूँ। मैंने ये ब्लू विंडो से पूरा सेलेक्ट किया और मैं इसको एम एंटर दे के प्रेस करके और इसका एक कोई भी पॉइंट पकड़ लूंगी, और मुझे इससे इधर मानो सपोज मुझे 12 इंच इनसाइड में जाना है, तो मैं 12 इंच प्रेस करके ये मेरा हो गया मूव कमांड का यूज। या फिर हमें इसको आगे शिफ्ट करना है तो हम इसको सेलेक्ट करके एम एंटर करके और इसको आगे मूव कर सकते हैं जितना भी हम चाहते हैं। या तो आप रैंडमली कर सकते हो अगर आपको कोई फिक्स डायमेंशन नहीं चाहिए, या फिर आप सपोज मुझे यहाँ से 6 इंच ही आगे रखना है तो मैं इसको 6 इंच आगे रख सकती हूँ। देखिए यहाँ पे जो गैप आया है वो है 6 इंच। चाहे तो इसको चेक भी कर सकते हैं डिमलेंस से, मिंटू से, लीनियर से। ये देखिए 6 इंच का हमारे इसमें गैप आ गया है। इसके बाद आता है जो हमने कमांड लिख रखी है रोटेट। अगर सपोज मुझे ये बेड का डायरेक्शन जो है ये चेंज करना है, मुझे इस फेसिंग में रखना है, ईस्ट फेसिंग में इसको रखना है, हमें नॉर्थ फेसिंग में इसको नहीं रखना है, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आर ओ एंटर प्रेस करेंगे और इसको हम जिस डायरेक्शन में रखना है एक बार के लिए हम पिक करके यहाँ रख देंगे, और फिर इसको एडजस्ट करने के लिए अगेन मूव कमांड का यूज लेंगे, एम एंटर, और हम इसको मिड पॉइंट पकड़ के इस लाइन के मिड पॉइंट पे
जहाँ भी ये ट्रायंगल आएगा वो हमारा होगा मिड पॉइंट। ये हो गया हमारा मूव और रोटेट कमांड का मिरर, कि हमें जो मिरर कमांड है उसका यूज क्या है। सपोज हम जस्ट अपोजिट, मेरा ये प्लान है, मुझे प्लान सेम एज इट इज चाहिए जस्ट अपोजिट उस फेसिंग में, तो हम एम आई एंटर करके इसको यहाँ से पिक पॉइंट करके और यहाँ प्लेस करेंगे, तो इस तरीके से हमें जस्ट अपोजिट में होगा। अगर हम गलती से एस्केप दबा देते हैं जैसे मैंने प्रेस कर दिया है, तो वो मिरर ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, वो वहाँ से हट जाएगा। तो हम अगेन एक बार ब्लू विंडो से इस पूरे प्लान को सेलेक्ट करते हैं, अगेन एम आई एंटर करते हैं और यहाँ से हमें जहाँ से भी हमें पॉइंट चाहिए वो पकड़ लो इस तरीके से और एंटर करके क्लिक करके एंटर कर दो। ये हो गया हमारा एक मिरर। ये होती है कमांड एम आई और इस तरीके से हम मिरर कर सकते हैं। एस्केप आप अगर कर देते हो तो प्लान मतलब सेम जो अपोजिट आपका जो ऑब्जेक्ट है वो हट जाएगा, और अगर आप एंटर करते हो तो वो वहीं पे प्लेस हो जाएगा जहाँ पे आपने मिड पॉइंट लेके छोड़ा है। इसके बाद आता है हमारा स्केल, स्केल और स्ट्रेच। स्ट्रेच हम करते हैं जैसे सपोज स्केल और स्ट्रेच में अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो एक सिंपल सा फंडा है वो है कि स्ट्रेच कमांड है। सपोज हम एक रबर लेते हैं और उसको एक साइड से स्ट्रेच करते हैं, दैट इज स्ट्रेच। और स्केल कमांड जो हम छोटा बड़ा कर सकते हो, तो मैं आपको बता देती हूँ। स्ट्रेच कमांड जो है वो है एस एंटर। सपोज मेरी ये जो लाइन है, मुझे ये डोर है मेरा, ये पहले मैं एक बार इसको हटा देती हूँ। मेरी ये वॉल है, इसको मुझे बढ़ाना है, मुझे इसको 4 इंच अंदर लेना है या 4 इंच बाहर लेना है या मुझे इस वॉल पे फिट करना है, तो मैं एस एंटर और इसका एक मिड पॉइंट पकड़ के स्ट्रेट मैं यहाँ पे इसको पीछे ले जा सकती हूँ, या फिर अगेन सेलेक्ट करके स्पेस दबा के उसी कमांड में आने के लिए मैं इसको यहाँ पे रख सकती हूँ। इस तरीके से हमारा स्केल कमांड वर्क करता है। इसके बाद आता है, ये हुआ हमारा स्ट्रेच कमांड, सॉरी स्ट्रेच कमांड जो है कि हम सिर्फ इस एंगल को थ्री साइड, हमें स्ट्रेच कमांड में सबसे बड़ी बात है कि हमें इसके थ्री साइड सेलेक्ट करने होते हैं, क्योंकि अगर हम दो एक साइड सिंगल स्ट्रेच करेंगे, सपोज मैं इस लाइन को अगर स्ट्रेच करती हूँ तो इससे डिटैच हो जाएगी, अटैच नहीं रहेगी, तो हमें जब भी स्ट्रेच करना हो तो हमारे थ्री साइड होने चाहिए, सिंगल साइड से नहीं होगा। और फोर साइड से हम स्केलिंग कर सकते हैं, स्ट्रेच नहीं कर सकते हैं। तो एस एंटर और इस तरीके से मुझे इस वॉल को आगे बढ़ाना है, अगेन मैं इसको सेलेक्ट कर लेती हूँ और मुझे इसको वापस अगेन पीछे ले जाना है। और सॉरी मैंने कमांड नहीं दी थी स्ट्रेच की, इसलिए तो हम इसको अगेन सेलेक्ट करके ग्रीन विंडो से एस एंटर करके इसको पीछे यहाँ तक ले जाना है। तो इस तरीके से हम स्ट्रेच कमांड का यूज ले सकते हैं। इसके बाद आता है स्केल। सपोज हम इसी चीज़ को सेलेक्ट कर लेते हैं और हमें एस सी एंटर करना है, तो ये लाइन हमें मोटी चाहिए छोटी चाहिए, अगर सपोज हमें 9 इंची में चाहिए, तो इस तरीके से हम वर्क कर सकते हैं। हम आर एंटर देके एक रेफरेंस पॉइंट देके और इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं कि हमें इतना चाहिए। इस तरीके से हम स्केल कमांड का यूज़ लेते हैं छोटा बड़ा करने के लिए ऑब्जेक्ट को। और ब्रेक और जॉइन कमांड्स भी एक दूसरे से इंटरलिंक है। सपोज मेरी ये जो लाइन है इसको मुझे ब्रेक करना है, इसके लिए मैं दबाऊंगी बी आर एंटर, ये हो गया मेरा एक ब्रेक। उसके बाद अगेन मैं इस लाइन को सेलेक्ट करके ये हो गया ब्रेक। इस तरीके से हम लाइन करने के लिए हमें जे एंटर और हम दो दो लाइनें हैं जो एकदम आमने सामने हैं, जो एक ही एक्सेस पे है, सपोज वो एक्स एक्सेस पे हो या वाई एक्सेस पे हो, तो एक ही एक्सेस पे होनी चाहिए और हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं स्पेस देके। अगेन मैं आपको बता देती हूँ, जे एंटर और जो हमारी दो लाइंस है जिसको हमें ज्वाइन करनी है, वो दोनों लाइंस हमें सेलेक्ट करनी होगी, उसके बाद हमें स्पेस प्रेस करना होगा या एंटर प्रेस करना होगा। ये हो गया आज हमारे जो सारे कमांड्स हैं उनका यूज। अभी तक हमारे कमांड्स में हमने सारे पढ़ लिए हैं सारे। इस तरीके से हम एक जो प्लानिंग करते हैं उनमें ये हमारे सारे कमांड्स हैं वो यूज आते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।